ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, देखते हैं कि रेलवे की सूरत हाल अब कैसी है। वैसी जैसे पहले थी, खाली। हेलो हेलो, जिप योर लिप्स। इतने दिनों से आपको सिखा रही हूँ, एक जुमला नहीं कह पाए, जिप योर लिप्स। टीचर वो हो जाता है, अभी मैं याद कर लिया हूँ। शिगिर था मैं थोड़ा कि सिखा रही हैं आप। एक्शन याद है, लफ्ज नहीं याद। लेकिन सॉरी वीना जी, जो ईद लगी ना जिंदगी च नहीं लगी। वाकई पे रश था। मैं कहना इतना रश थी, तुझे यकीन जानो जिस तरह चलती ट्रेना तो मुसाफिर सुटे ना। मैं मुसाफिर या सामान? मुसाफिर, सामान तो किन्ने दा इत्थे रह जांदा है। हां जी, वो कहंदे सानू घर पहुंचा दियो। अच्छा, 2-2 किलोमीटर सवारी चुक के मैं दौड़िया। रियली? ऐं करके जिहड़ा डंडे नू हाथ पिया तो छड्या। वैसे कोई बईद नहीं, इतने गेंडे से तो आए आप। सवारी भी यही कहती थी। जिहड़ा बंदा कहंदा सी कि ओ मेरी ट्रेन निकल गई, मैं कहा 5000 रुपया लांगा तेन ट्रेन ते चढ़ा दिया। वैसे जब आप किसी ट्रेन के साथ दौड़ रहे होंगे ना, तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि हीरो की पथेटिक कॉपी लगते होंगे। क्वार्टर के लोग ना फिक्की जी फिल्म हुन तक याद रखते हैं। इतनी बड़ी हिट थी, क्या बुरी बात थी उसमें? ले शाहरुख उते चढ़े, काजल दौड़न दी है, अमरेश पुरी कर रहा है, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ला। गड्डी चल रही है, अन्नी दे बच्चे 50 रुपए जुर्माना होना, उदा जंजीर खिंचो गड्डी रुक जानी सी। छोड़े फिल्मों की बातें, ये बताएं कि कोई फैमिली शैमिली है आपकी? मैंने कभी सुना नहीं आपके मुंह से। नहीं नहीं, मैं तो वैसे तजर्बे नाल होया। कोई ना मेरे अगे ना कोई मेरे पीछे है। उस लैब का नाम क्या था? अपने सामने रख लो, कोई टिंटो प्रिंटी प्रस्ता। बताए ना, शादीशुदा है आप? देखिए मेरी बात सुनो वीना, मैं पता क्या अभी साथ ही शर्माता वो कितना बिल्कुल क्यूट नहीं लगा। नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है। आप जो सोच रही हैं दिमाग में, दिल में जो आपके चल रहा है ना, वो हो नहीं सकता। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। कितना संभल के क्यूट बन के रेडी होके बैठ गया कि और बातें करूं। असल में मंगनी हो चुकी है ना। इन्होंने आपसे फैमिली इन्फॉर्मेशन मांगी और आप हैं कि आपने लाइनें ही करवानी शुरू कर दी हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप दोनों फैसला कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। अब क्या बात करना चाहती हैं? देखिए आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टेशन में बैठने का ना मजा आ रहा है। ये तड़ातड़ रिश्ते पै रहे ने। अन्ने वाह। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे। मैंने आपको कहा आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब तो देना। ये बताएं भाभी करती क्या है? उसका नाम भाभी है ही नहीं। भाभी तो एक रिश्ते का नाम है। लेकिन मैंने कहा ना उसका है ही नहीं, कहने वाला ही नहीं है। मैं अकेला हूँ, और भैन भाई कोई नहीं, ये रिश्ता उसके नाल बनता ही नहीं गा। अच्छा ये बताएं उम्र कितनी है उसकी? और ये माई चरखा नहीं कटती चंद से? हाँ उसके नाल हो रही है। 18 साल की जो शीजा है। आपको किसी और प्लेनेट की कोई मखलूक एक्सेप्ट कर सकती है? इधर तो मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों के दिल में ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। हजरात अपना अपना इंतजाम खुद कर लें, यहाँ कोई चांस नहीं है। इस उम्र में खुशफहमी अच्छी नहीं होती। वैसे आज आप स्टेशन पर अकेले क्यों बैठे हैं? वो चाय वाले पहलवान किधर हैं? मिस कर रही हूँ पहलवान को। पहलवान जी नकाब कुछ आई है। नकाब कुछ? हाँ जी, ये पहलवाना की एक रस्म होती है, और रस्म तो गए ने। आज पहलवान नु खलीफे का खिताब मिलने वाला है। खलीफा क्या होता? वेला बंदा जिन्हें सिर्फ मशवरे देने ने, कहने इन्ने बादाम खा लो, इन्नी सरदाई पी लो, इन्ना जोर ला लो। जो बंदे नु काम कुम भुल जावे ना, या कोई मेहनत ना करे, कहंदे ना खलीफा हो गया। वो हुण गए ने। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप भी एक खलीफा ही है। बिना ये खलीफा नहीं, लतीफा है। अरे तुसी सुना करो, तुसी कहना छोटी अपनी चैनल ही बना लो, क्योंकि आपकी ना छोटी छोटी ना नन्नी मुन्नी सी जुगते हैं, ठीक है, किसी की चमच में नहीं आती। उथे गए ने पहलवान होरी। अच्छा, रब खैर ही करे। खलीफा बन गया सी, तुसी गुरु बन के आ गए। ਔਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਔਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਈ ਜੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਕੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਓ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਖਤੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਡੋਲੀ ਟੋਰੇਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ।
ਕਿਸੇ ਗਾਫਲ ਪਿਓ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਗੀ ਉਬੜੇ ਆਸ ਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਇੰਜਨ ਤੱਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ ਆ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 74 ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਜਨ ਟੁਰਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਹਾ 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 ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਰੋਇਆ ਉਹ ਰੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਹ ਐਡਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ 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 ਹੋਇਆ ਬਸ਼ਗੁਨੀ ਨਾ ਕਰਾਈਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦੇਈ ਤੂੰ ਆਹੋ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਜ ਖਲੀਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾ ਪਿਆ ਲੈ 1.25 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਪੂਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮ ਪੈਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਿਆਨੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਢੱਕਣ ਕੁਛ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੱਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਮਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੱਤ ਕੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਧਰ ਕੋਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਖ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਕੁੱਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਆਪਕੋ ਇਤਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਤੇ ਤੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਘੜ ਘੜਸਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜੀਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾ ਆਲਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਬ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ 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 ਬੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈ ਇਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਤੇ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਮੇਂ ਆਈਏ ਲੋ ਜੀ ਆ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਚੜਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਵੈਸੇ ਬੀਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕਾ ਹੋ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਆਲ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕਲਿੱਕ ਅਵੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ वो ओवरनाइट साफी भी बन जाता है ओवरनाइट स्टार भी बन जाता है वो जो एक ड्यू प्रोसेस होता है ना लर्निंग के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो लोगों को नहीं मिल रहा बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਧਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਾੜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਕਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਕੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੜ ਇਹ ਬੈਗ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਵਾਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੈਗ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾ ਹੋਣਾ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਾ ਛੂਏ ਇਸੇ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਐਸੇ ਛੂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੈਗ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੱਪੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕਰੇ ਐਸੇ ਮਤ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਿਕ 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 ਨੀਂਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਆਖਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾ
अगर तुसी 10-15 मिनट लाए तो खलीफा ने बोलना छड़ देना जे ओ आ तेरी गल है कर हां जी जी सर जल्दी पहुंचो इथे आ पहुंचो मस्त मलंग चकीताई साडा दिल तंग चकीताई मस्त मलंग चकीताई साडा दिल तंग चकीताई दे 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 यार तेरा यार तबा तबा चाहे मेरा तबा भाई पहली बारी जिंदगी च 15 वाले टाइम पे आए रे मस्त मलंग चकीताई गड्डी बड़ा तंग चकीताई दास रोक दियो क्यों जी की होया क्योंकि इस बाद हो सकदा ऐ ना रहन मुड़के जो स्टेप नहीं कर रहा कोई मस्त मलंग चकीताई मैं क्या की हो गया लगता संडे ने भंग पीती अपना खान साहब जी तुसी लेट आए सामान तो पहले ही आ गया थी सामान तुम्हारा बैग इस बंदे शाम शाम के बैठे हुए हैं साडा सामान सी आज मैं कहेगा क्यों क्या हुआ लावारिस सामान है ये हम भी लावारिस ही हैं जो टिक टिक दी आवाज नामे मौला केड़ी टिक टिक चलाती है और सारे नस के मेरे पीछे आई यार मैं स्पाइडरमैन वन फाइव पे कॉल किया है दोबारा कर लेने हेलो 15 ओ आ गया 15 वाला अस्सलाम वालेकुम उड़दा सारे मेरे पिछे कठे हो जा रहे हो भाभी अगू कर तुसी संभाल ले जेकर 15 वाले आ गए तो आ जाएगा वरना बस एदियां रिपीट फिल्मां वेखी जाना चाची बुला पलवान जी है सलाह ते मैं चाची नहीं बुला लवा पहलवान जी कहां गया वो आपका रोबो दबदबा वो आपके इतने ढेर सारे स्टूडेंट वो आपकी बहादुरी और वो इंजन भी आपने उठाया था ना कंधे में मैडम पहलवान केरिया केरी सिचुएशन से गल्ला भी कर रही है पहलवान जी सच्ची सच्ची बताएं वो जो इंजन था वो आपने उठाया था कि नहीं मैं झूठ बोलिया मेरे अगे आ गया स्टेशन ते एक बंदा सानू सारे ने बचा दिया इनू बंब उत्ते सुट दियो काफी हद तक बंब दा असर जायल हो जाएगा बंब चलने नाल इना नुकसान नहीं होना ये चल गया है ना स्टेशन उड़ जाना टाइम जाया मत करें टाइम बॉम्ब भी हो सकता है एक मिनट मैडम जी फोन मिल सकता है हां जी किन्नू कर लगा ओ स्टेशन मास्टर नहीं उन्हें कल मेनू मामा पैण दी गालां कड़ी ने उन्हें बुला लूंगा हेलो सर सर कैसे हैं इधर आए दावत हो रही है बहुत मिस कर रहे हैं आपको सर प्लीज एक दफा फेस दिखा जाए बस एक दफा दिखाना है आपने बाकी अल्लाह वारिस है आ रहे हैं खलीफा जी कल मेनू ने वो गालां कड़ियां ने बस मैं कब बदला लवांगा यार किसी का मजाक नहीं उड़ाते आपने ये क्या किया चुप कर जाओ ऊंचा बोलो ऐसे जाते जाते भी ना आप लेके जाएंगे सबको साथ मैंने कहा इधर देखिए अस्सलाम वालेकुम सर तुमने फोन किया है मुझे जी सर अच्छा मुझे ये बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ ये सब आपके फैन है कहते हैं जी हमने स्टेशन मास्टर को देखना है ये इनमें से किसका सामान है ये मोटे का है ये रखने की जगह है यहाँ पे नहीं उठा लो ये पहलवान जी की वाइफ का है बेवकूफ अरे इसको बताते क्यों नहीं हो किसमें बॉम्ब है लो जी अल्लाह ने मेरी गोद तैयारी कर दी चला मेरे बेटे ने पकड़ना 2 मिनट ले बच्चा थक गया बैग तो सराहना रखो तो सुहा दे
तुम लोगों ने पुलिस को फोन नहीं किया तक? किया फोन जी? पुलिस स्टेशन यहाँ पे था, स्टेशन में बैग है, इसमें बॉम्ब है, जल्दी आइए, पुलिस आती होगी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। एक मिनट, एक मिनट, फोन किया मैंने किया सर। क्या मसला, क्या हुआ सर? मसला तो कोई नहीं का सर, होया पता की असे मैं जितो आया स्टेशन ते मैं कल्ला ही सी, इथे कोई भी नहीं सी, परवान दी नकाब घुसाई आओ यार, छा खलीफा घुसाई हो रही सी, घबराना नहीं, गल कोई नहीं। हां जी उठ गया सी, अजे स्टेशन मास्टर सी, ए भी नहीं थे। बात को लंबा क्यों करे, जल्दी जल्दी बताएं। ओ गल गल कुछ भी नहीं हैगी अपना, देखो असि इथे सारे बैठे हैं जैसा, देखो शुगल शुगल जैसे को बम रख गया जे। आप लोगों का यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी ये बम फट जाएगा। पागल हो गए हो, परेशान ना हो, मेरा बैग है। टिक टिक दी आवाज आई, मैं कड़ी रखी ओदी आवाज है। अच्छा सानू दसे अन्नी दिया बचिया बम भी चल जाता बेहतर सी।